बैक पंचर्स अकेडमी आई होल आर फाइन तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिमांड पेजिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने की और समझने की कोशिश करते हैं ठीक है थीके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखो कैसे एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को हम लोड करते हैं डिस्क से मेमरी में ये एक हमारे पास एक क्वेश्चन है एक ऑप्शन ये है कि हम पूरे इंटायर प्रोग्राम को फिजिकल मेमरी में क्या कर दे आ, लोड कर दे ठीक है जब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पे लेकिन इस चीज़ में एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच में कि हमें इनिशली तमाम सारा प्रोग्राम मेमोरी में नहीं चाहिए होता है सपोज़ फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रोग्राम है ठीक है उसमें कुछ लिस्ट ऑफ ऑप्शन है फॉर एग्जांपल टेन ऑप्शन है जिसमें यूजर्स को कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करनी है अगर हम यहाँ पर पूरा प्रोग्राम एक बार मेमरी में, में लोड करते हैं तो सारे एग्जीक्यूटेबल कोड जो इन तमाम टेन ऑप्शन की हैं वो भी इसमें सेव हो जाएंगी तो उस लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमें उसमें से यूज़र को सिर्फ पाँच ही चाहिए तो बाकी जो पाँच हैं तो वो क्या रहेगी अनयूज रहेगी तो स्पेस की प्रॉब्लम भी होगी टाइम की प्रॉब्लम भी हो गई तो ये हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अब एक और अल्टरनेटिव ये है कि हम सिर्फ उन्हीं को लोड करें जो पेज हमें चाहिए ठीक है तो इस टेक्निक को कहते हैं डिमांड पेजिंग और ज्यादातर ये यूज़ कहां पे होती है वर्चुअल मेमोरी सिस्टम्स में डिमांड पेजिंग वर्चुअल क्या होता है सिर्फ उन पेजेस को हम मेमोरी में लोड करते हैं जिनकी डिमांड हो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो यूजर को जिन प्रोग्राम्स की नीड हो वो उसको डिमांड कर देते हैं उसको ऑर्डर करते हैं तो वही पेज को मेमोरी में लोड किया जाता है और वो पेज जो कभी भी एक्सेस ना हो नहीं हो सकते जो एक्सेस जो नहीं करने हैं हमें एक्सेस नहीं चाहिए वो कभी भी फिजिकल मेमोरी में लोड नहीं होते हैं इससे हमारा टाइम भी बच जाता है इससे हमारी स्पेस भी बच जाती है इसी चीज को हम बोलते हैं डिमांड पेजिंग वर्चुअल मेमरी

लेजी स्वैपर तो लेजी स्वेपर कभी भी उस पेज को मेमोरी में, में स्वेप नहीं करता जब तक ना उस पेज की नीड होगी अब फॉर एग्जाम्पल देखो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इट इज अ सीक्वेंस ऑफ पेजेस क्योंकि यहाँ पे हम एक ही बार कंटिन्यूस एड्रेस स्पेस को कंसीडर नहीं करते हैं तो यहाँ पे हम स्वैपर टर्म जो है ना ये टेक्निकली इनकरेक्ट होगी ज्यादातर हम देखो स्वैपर में क्या होता है स्वैपर पूरी एक बार एक ही प्रोसेस को एक बार अपलोड कर देता है मेमोरी में लेकिन यहाँ एक एक पेज को किया जाता है इंडिविजुअल पेज को दियरफोर यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे पेजर ठीक है डिमांड पेजिंग में अब मैं हमेशा यूज करूंगी पेजर वह मैंने आपको बोल दिया क्यों तो आप देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जब प्रोसेस को हम स्वैप करते हैं तो उस टाइम पे पेजर गेस करता है कि कौन से प्रोसेस हाँ कौन से पेजेस हमें चाहिए होंगे और वो उन्हीं प्रोसेस को फिर स्वैप इन स्वैप आउट करता है तो अब यहाँ पे होल प्रोसेस को स्वैप करने के बजाय पेजर उन्हीं पेजेस को ब्रिंग करेगा मेमोरी में जो चाहिए तो इसी वजह से क्या हो जाएगा हमें स्वैप टाइम डिक्रीज हो जाएगा अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी जितनी स्पेस है स्पेस भी हमारे पास कम लगेगी अब एक और कंडीशनरइज होगा क्या होगा अगर प्रोसेस उस पेज को एक्सेस करना चाहे जो हमारी मेमोरी में था ही नहीं उस टाइप पे पेज फॉल्ट हो जाता है ठीक है तो अब पेज फॉल्ट को हैंडल करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं क्या चाहिए हमें इसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले हम इंटरनल टेबल को चेक करते हैं इस प्रोसेस का ताकि हम देखें कि जो इसकी रेफरेंस है वो वैलिड है या इन है ठीक है अगर ये रेफरेंस इनवैलड थी तो उसी टाइम पे प्रोसेस को टर्मिनेट कर देंगे लेकिन अगर ये वैलिड थी और अभी मेमोरी में नहीं लाई गई है तो उस टाइम पे उस पेज को हम लाते

जो प्रोसेस का था अपना और पेज टेबल को क्या करेंगे मॉडिफाई करेंगे क्यों ताकि हमें ये इंडिकेट हो जाए कि अब पेज कहाँ पे है मेमोरी में, में है यूजर को पता चल जाए पेज मेमोरी में आ चुका है तभी अपडेशन जरूरी है उसके बाद हम इन इंस्ट्रक्शंस को रीस्टार्ट करेंगे जो इंटरप्ट हो गई थी पहले ठीक है तो आप प्रोसेस एक्सेस कर सकता है उन पेजेस को ऐसे ही जैसे कि वो ऑलवेज मेमोरी में प्रेजेंट थे जैसे वो कभी मेमोरी से बाहर थे ही नहीं अब हो गया ये फिट अब सेकेंड है हमारे पास प्योर डिमांड पेजिंग प्योर डिमांड पेजिंग वो डिमांड पेजिंग है जहाँ पे कोई भी फॉल्ट नहीं होता है उस पेज को कभी भी मेमरी में नहीं लाया जाता है जो पेज की जरूरत ना हो जब जरूरत हो तब भी लाया जाता है अब जो हार्डवेयर है जो सपोर्ट करता है डिमांड पेजिंग को वो सेम है एज दैट फॉर स्वैपिंग और पेजिंग दोनों चीजों के लिए क्या क्या पहला पेज टेबल हमें चाहिए ये टेबल क्या है इस टेबल में हमारे पास होता है एक एंट्री मतलब जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये वैल्यूज़ वैलिड हैं या इनवैलिड वैलड वहाँ बिट्स होती हैं वैलिड बिट्स होती हैं इनवैलिड बिट्स होती हैं या कोई स्पेशल वैल्यू होगा प्रोटेक्शन बिट्स के साथ जिसकी वजह से हमें ये एंट्री का पता चल जाएगा ये वैलड है या इनवैलिड तो और होती है सेकेंडरी मेमरी ये मेमरी में क्या है सेकेंडरी मेमरी में पेज वो पेज होते हैं जो हमारे पास मेन मेमरी में प्रेजेंट नहीं है यूजली सेकेंडरी मेमरी होती है हाई स्पीड डिस्क इसी से फिर पेज को हम इन करते हैं अपनी मेमोरी मेन मेमोरी में, में जो चाहिए तो इसको हम बोलते हैं स्वैप डिवाइस और सिलेक्शन ऑफ डिस्क यूज फॉर दिस पर्पज दैट इज कॉल्ड एज द स्वैप स्पेस तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल